नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। दोस्तों फिर से एक और वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों काफ़ी दिन हो चुके वीडियो बनाए हुए, लेकिन दोस्तों फिर से एक और अच्छे टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों यदि आप अभी भी कोई एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही होगी, वो ये आ रही होगी कि लॉकडाउन से पहले जो स्मार्टफोन की प्राइस हुआ करती थी दोस्तों, अब वो बिल्कुल चेंज हो गई, यानी कि उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब ये बढ़ोतरी क्यों हुई है या कैसे इसे हम कम करके दोबारा से ले सकते हैं या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो वीडियो को एंड से देखना, यदि दोस्तों आप पे 5 मिनट का टाइम है तो इस वीडियो को प्लीज़ से पूरी देख लेना, आपको सारा जो है इसका मामला समझ में आ जाएगा कि जो स्मार्टफोन में प्राइस जो बढ़ाई गई है वो क्यों बढ़ाई गई है और ये कैसे वापस से घट सकती है या फिर कितने दिनों बाद तक घट सकती है। या फिर मैं दोस्तों आपको एक स्मार्टफोन ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसने अपने स्मार्टफोन के कोई भी स्मार्टफोन में जो है प्राइस नहीं बढ़ाई है, और दोस्तों वो पहले जो प्राइस देता था वो भी अभी दे रहा है। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, और दोस्तों मैंने कुछ आपको 4 या 5 पॉइंट इस वीडियो में बता दूंगा जिनकी मदद से आप समझ जाएंगे कि स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो क्यों बढ़ गई है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इस पॉइंट को चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि हम इंडियंस की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं बाहर की कंपनियाँ, यानी कि हमारे इंडियंस की जो ज़रूरत है, यानी कि हम जैसे इंडियंस 100 फ़ोन चाहते हैं लेना, तो दोस्तों हमको केवल 50 फ़ोन ही मिल पा रहे हैं, बाहर से इतने फ़ोन ही इम्पोर्ट हो पा रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन इम्पोर्ट नहीं कर पा रही है कंपनी क्योंकि अभी भी उनके वर्कर जो है नहीं है पूरे। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कम फ़ोन है लेने वाले, फ़ोन कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से जो रेट थोड़ी हाई कर दी गई है ताकि जो लेने वाले वो भी थोड़े से जो है कुछ तो रुक जाएंगे कि यार महंगे हो गए हम नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से जो उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके इसकी वजह से थोड़ा बहुत महंगा कर दिया गया। और दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट निकल कर ये आता है कि कंपनी वर्कर्स को जो दोस्तों लॉकडाउन चल रहा था, यानी कि कंपनी बंद थी फिर भी जो अपने वर्कर्स तो वो पेमेंट दे रही थी लगातार, तो दोस्तों वो पेमेंट जो कंपनी का वेस्ट ना चले जाए इसलिए दोस्तों कंपनी ने भी थोड़ा बहुत चार्ज लगा दिया है अपने स्मार्टफोन पर भी, यानी कि कुछ परसेंट एक्स्ट्रा प्राइस कर दिए ताकि वो जो है वहाँ पर जो उसने इन्वेस्ट किया था वे फालतू में दोस्तों वो यहाँ से जो अपना बेनिफिट निकाल सके। तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों वो ये निकल के आता है कि GST हमारे भारत सरकार ने काफ़ी बढ़ा दिया है। दोस्तों पहले GST जो है फ़ोन के ऊपर 11 से 12% लगती थी, 12% लगती थी अप्रॉक्स, लेकिन दोस्तों अब हमारे भारत सरकार यानी वित्त मंत्री जो है हमारे यहाँ की, दोस्तों उन्होंने GST बढ़ाकर फाइनली ये फैसला ले लिया है कि 18% कर दी है, यानी कि दोस्तों 4 से 5% जब GST बढ़ती है, जब दोस्तों 4 से 5% प्राइस बढ़ती है स्मार्टफोन की ऊपर GST की, तो दोस्तों उसमें प्राइस ऑटोमेटिकली जो है कंपनी को हाई करनी पड़ती है ताकि वो भी अपना जो है बेनिफिट थोड़ा बहुत निकाल सकें। दोस्तों अगला पॉइंट ये आता है कि पहले जो है कुछ दिनों तक, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, और लॉकडाउन में तो खैर सारे फ़ोन ही बंद थे ऑनलाइन, और दोस्तों जो लॉकडाउन के दौरान या फिर अब इस टाइम कोई भी ऑफलाइन फ़ोन लेता है तो दोस्तों ऑफलाइन स्टोर वाले जो भी होते हैं वो अपना बेनिफिट देखते हैं कि यार ऑनलाइन फ़ोन मिल नहीं रहे तो मैं चाहूँ तो ऑफलाइन बेच सकता हूँ, कितना ही क्या भी ऐसे लेना हो तो ले ही लेगा, तो दोस्तों उसके हिसाब से जो है ऑफलाइन स्टोर वाले जो वर्कर होते हैं वो भी थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा लेते हैं। जैसे कि बाई चांस आप सोच के चलिए मेरा जो ये फ़ोन है दोस्तों Redmi Note 8 ये ऑनलाइन मैंने 10,000 रुपये का लिया था, लेकिन दोस्तों अब यदि मैं MI को शोरूम में जाकर ऐसे देखता हूँ तो ये 13,000 से 13,500 रुपये तक का मिल रहा है, यानी कि किसी पे 13,000 का, किसी पे 13,200 का, किसी पे 13,500 रुपये का। तो दोस्तों इसी के बीच क्या हुआ था, मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी भी बता देता हूँ कि मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आया था कि यार मुझे फ़ोन लेना, कोई फ़ोन बता दे। तो दोस्तों मैं Redmi का ही फ़ोन ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसको Redmi Note 8 ही बता दिया। उसने जब मुझसे प्राइस की पूछी कि यार ये कितने रुपए का आता होगा, तो दोस्तों मैंने उसको प्राइस बता दी कि यार ये सिंपल सा 10,000 रुपये का आता है, ले ले कहीं से भी। जब वो ऑफलाइन जाकर देखा तो 13,500 रुपये का उसने देखा, तो दोस्तों वो उसने कहा था कि यार तू मुझसे झूठ बोल रहा था यार, तूने 10,000 का बताया है, मिलिए 13,500 रुपये का रहा है। तो दोस्तों जब मैंने ये थोड़ा सर्च किया तो मैंने सोचा इसके ऊपर यार वीडियो बनानी चाहिए कि फ़ोन क्यों महंगे हो गए, तो इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब दोस्तों कुल मिला के जो है सारे पॉइंट्स का जो है कंक्लूजन निकल के आता है वो दोस्तों ये निकल के आता है कि फाइनली ये फ़ोन महंगे क्यों हुए। तो दोस्तों महंगे फ़ोन इसलिए लॉकडाउन के दौरान सारा बिजनेस वगैरह सब चीज़ बंद रहा था देश के अंदर, हर देश के अंदर, तो दोस्तों उसकी वजह से क्या उसका इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डाउन चले गया, थोड़ा सा कहें या फिर बहुत डाउन चले गया। तो दोस्तों इसकी वजह से जो उसने अपने GST वगैरह सारे जो टैक्सेस लगते हैं वो सारे महंगे कर दिए, और दोस्तों बाहर से कोई भी माल इम्पोर्ट होता है तो उस पर भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा टैक्सेस लगता है, पहले कम लगता था अब ज़्यादा लगने लग गया है, ताकि जो है अपने देश का इकोनॉमिक सिस्टम ऊपर हो चुका है इसलिए
उन्होंने टैक्सेस लगाना ज़्यादा कर दिया है और कंपनी को इसकी वजह से, कंपनी को कहीं ना कहीं से बेनिफिट चाहिए, ऐसा तो नहीं है वो टैक्सेस भी ज़्यादा दे और दोस्तों वो पहले जैसी प्राइस दे तो उसमें कोई उसको बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए उसने अपने प्राइस हाई कर दिए हैं। अब दोस्तों मैं ऐसी एक कंपनी के बारे में बता रहा था आपको जिसने अभी भी अपने प्राइस वही रखे हुए हैं, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है ऑनर। दोस्तों ऑनर का यदि आप कोई भी स्मार्टफोन आप खरीदो, चाहे बाद में खरीदो चाहे पहले, आपने देखा होगा प्राइस उसकी सेम ही मिलेंगी दोस्तों। उसके ऊपर भी GST वगैरह सब चीज़ लगी हुई है, लेकिन दोस्तों उसने अपने कस्टमर के लिए प्राइस उतनी ही रखी हुई है, उसमें प्राइस में कोई भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों यदि आप फ़ोन लेना चाहते हो तो ऑनर का भी ले सकते हो, हालांकि आपको जो पसंद है आप बोल लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑनर के ऊपर कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाई गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए कि हमारे जो स्मार्टफोन है वो क्यों महंगे हो गए और क्यों नहीं हुए, सारी चीज़ें मैंने बता दी। और दोस्तों यदि आप पहले जैसे प्राइस में स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम सही हो पाएगा, टैक्सेस वगैरह GST वगैरह घट पाएंगी, तो दोस्तों इससे बढ़िया तो आप थोड़ा बहुत महंगा ले ही लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।